हेलो फ्रेंड्स, मी न्यूज़ रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बेसन की सब्जी। ये बहुत टेस्टी लगती है, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि मैं कोई भी न्यू रेसिपी डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए बनाते हैं बेसन की सब्जी। बेसन की सब्जी बनाने के लिए ये मैंने 1 कप बेसन लिया है, और इसमें हम डाल देंगे थोड़े से मसाले। हम ऐड करेंगे इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच अजवाइन को हाथ से क्रश करके और ऐसे करके रगड़ के इसमें डाल देंगे। इससे स्वाद अच्छा आता है और बेसन जो है वो पचने में भी आसानी होती है। थोड़े से कसूरी मेथी को रगड़ के और डाल देंगे, इससे इसका टेस्ट अच्छा आने लगता है। और नमक, नमक स्वाद अनुसार, जितना आप नमक खाते हैं उतना नमक डालें, लेकिन इसमें इसी के लायक नमक डालना है। फिर हम ग्रेवी में डालेंगे नमक, तो उसी हिसाब से नमक डालें। और आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, और 2 चम्मच हम तेल डाल देते हैं इसमें, जिससे कि इसका जो टेस्ट है वो अच्छा आएगा, वो उसमें वो खस्ता बनेगा। तो इसके लिए हम 2 चम्मच तेल डाल के फिर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये तेल को अच्छे से मैंने इसमें मिक्स कर दिया। अब इसका हम सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और एक डो तैयार कर ले। यहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं डालना है हमें, जैसे कचौड़ी बनती है वैसे डो तैयार कर लेना है। ये बेसन का डो मैंने तैयार कर लिया। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेते हैं, इतनी छोटी छोटी, जितनी छोटी छोटी कचौड़ी होती है उतनी छोटी छोटी। ये मैंने कचौड़ी की तरह लोई काट लिया इसका। अब हम इसको लंबा लंबा करके ऐसे करके गट्टे के शेप में बना लेंगे। ये देखिए ऐसे करके दूसरी लोई को भी। अब चाहे तो बहुत लंबा लंबा भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे करके पहले सारे बना ले। ये मैंने सारे बेसन के डो को गट्टे का शेप दे दिया। अब हम इसे उबालते हैं। तो उबालने के लिए मैंने यहाँ पे पानी को खूब अच्छे से खौला लिया है। अब इसमें हम जो हमने गट्टे बना के रखे हैं उसे हम छोड़ देंगे उबलने के लिए। और इसे ढक के खोलने देते हैं। जब तक गट्टा उबल रहा है तब तक हम अदरक, लहसुन, थोड़ी सी हरी मिर्च और 1 टमाटर को हम पीस लेते हैं। 8 से 10 लहसुन की कलियां लेनी है, थोड़े से अदरक के टुकड़े और 3 हरी मिर्च और 1 टमाटर, इन्हें हमें पीस लेना है। तो हम जार में इसे पीस लेते हैं। टमाटर को रफली चॉप करके इसमें डाल देते हैं। अब इसे हम पीस लेते हैं। ये मैंने पेस्ट तैयार कर लिया। इसे हटा के देख लेते हैं कि गट्टा हमारा पक गया है कि नहीं। ये देखिए इसमें छोटे छोटे से बबल्स आ रहे हैं, यानी कि गट्टा हमारा पक रहा है। 10 मिनट तक हम इसे खोलने देंगे ऐसे ही, और बीच में चेक भी करते रहेंगे। जितने भी गट्टे आपके ऊपर की तरफ पानी में ऊपर तैरने लगेंगे तो वो गट्टा पक गया होगा। ये उसका निशानी है कि जो
पानी में ऊपर की तरफ जब तैरने लगे गट्टा तो वो पक जाता है। अभी ये थोड़ा और होगा, हम इसे ढक देते हैं और थोड़ी देर इसमें खौलने देते हैं। एक बार हम फिर से देख लेते हैं, सारे गट्टे जो है वो पानी में ऊपर की तरफ आ गए हैं, ये देखिए। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं जिससे कि ये ठंडा हो जाए। हम इसे पानी से नहीं निकालेंगे, नहीं तो ये ड्राई हो जाएगा। तो हम सिर्फ गैस को बंद कर दें और इसे ठंडा होने दें। गट्टा जो है वो ठंडा हो गया है इसी पानी में। अब हम इसे निकाल के और एक प्लेट पे रख लेते हैं। और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं, एकदम पतला पतला ऐसे करके चाकू की सहायता से। देखिए कितना आसानी से कट रहा है ये। बहुत मोटा भी नहीं काटना, बहुत पतला भी नहीं काटना है। सारे गट्टे काट लें ऐसे। ये सारे गट्टे मैंने काट लिए। अब हम इसे हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। डीप फ्राई में नहीं करना है, सिर्फ शैलो फ्राई करना है। तो उसके लिए हम एक कढ़ाई में तेल ले लेंगे, ज़्यादा तेल हमें नहीं लेना है। और तेल को गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो गया, अब इसमें जो गट्टे हमने रखे हैं काट के वो डाल देते हैं। और उलट पलट करके इसे हर तरफ से हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये उलट पलट करके हमें हर तरफ से इसे अच्छे से सेक लेना है। इसको आप चला के दो तीन बार एक तरफ से फिर पलट दें, ऐसे करके हर तरफ से इसे अच्छे से सेक लें। ये हर तरफ से सिक गया। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और ग्रेवी की तैयारी करते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए हम कढ़ाई ले लेंगे और उसमें सरसों का तेल डालेंगे। तेल हम ज़्यादा डालेंगे यहाँ पे। और तेल को खूब अच्छे से गर्म होने देते हैं। तेल जब गर्म हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, चार लौंग, एक सूखी लाल मिर्च को तोड़ के हम डाल देते हैं, दो तेज पत्ते को तोड़ के डाल दें। अब इसमें हम डाल देंगे दो मीडियम साइज के प्याज, छोटे छोटे टुकड़ों में कटे हुए। और अब हम प्याज को लाल होने तक भूनेंगे। चलाते हुए इसे लाल कर देना है। प्याज जो है वो लाल हो गया। अब हम इसमें मसाले डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक चम्मच भर के धनिया पाउडर लिया है, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर है, आधा चम्मच जीरा पाउडर है और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है। मिर्ची जो है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं होती है, उसमें कलर अच्छा आता है। और इसे 1 से 2 मिनट सिर्फ भूनेंगे। एक से दो मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं जो हमने टमाटर अदरक लहसुन पीस के रखा है वो। इसी जार में थोड़ा सा पानी डाल के डाल देते हैं। अब हम इन सारों मसालों को अच्छे से भूनेंगे जब तक इसमें से तेल ना छोड़ दें। यहाँ पे हम इसमें नमक भी डाल देते हैं। नमक
जितनी हमें ग्रेवी डालनी है उसी हिसाब से नमक डालेंगे। अब हम मसालों को खूब अच्छे से भूनेंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसे ढक देते हैं पहले। ढक्कन हटा के अब इसे हम कंटिन्यू चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। मसाला जो है वो अच्छे से भून गया, इसमें से तेल भी छोड़ने लगा है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी जितनी भी ग्रेवी आपको चाहिए उस हिसाब से डाल लें। इसे अच्छे से मिक्स करके और ढक के इसे हम खोलने देंगे। पानी डाल देते जितना चाहिए और इसे हम ढक देते हैं। ग्रेवी जो है वो खोलने लगी है। हमने जो गट्टा भून के रखा है अब हम उसे इसमें डाल देते हैं। सारे गट्टे मैंने इसमें डाल दिए। इसे अच्छे से मिक्स कर दें। 5 मिनट इसे इसमें गट्टे को ग्रेवी में खोलने दें, जिससे कि गट्टा में जो है वो ग्रेवी एब्जॉर्ब हो जाए। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें गरम मसाला डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर दें। और धनिया पत्ता, कटा हुआ धनिया पत्ता हमें यहाँ पे डाल देना है। एक मिनट के लिए इसे ढक देते हैं। एक मिनट हो गए हैं, हम गैस को बंद कर देते हैं। ये गट्टे की सब्जी बनके तैयार हो गई। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।